इनती एक और नहीं, या देड़ी न्यू को नहीं लिपी थी मेरे भाई, नज़दीक लेकर आइए, या देड़ी इनती न्यू को नहीं लिपी थी, क्योंकि अपना जो गांव देहात में देड़ी कद लिपे करें भाई, तारा लक्ष्मी वास करे, तारा बढ़िया सुख समृद्धि वास करे, तारा सारा सौदा वास करे, त्यौहार नेड़े आने लग रहा था, दशहरा ही गुजर है, तो बड़ी धूमधाम दिन दशहरा मनाया होगा, दिवाली की बाट देख रहे होंगे और पूरे लाड चा इनका मन में न्यू होंगे कि वह सारे के सारे पूरे कराएंगे, पूरा गाँव में जब पटाखे बाज जाएंगे तो अपनी छत पर पटाखे बाज जाएंगे, अपने जो मंडेरियाँ पे हम भी दीवे लावांगे। उनती कदम न्यू को नहीं सोची थी कि यू इतना बड़ा दीवा बना देखना भाई। सारे दर्शकों सुनो वाले राम राम। गांव कुराड़ में हाँ, और उस जगह पे हाँ, उस घर का सामना हाँ, जिस थी यू सारा का सारा प्रपंच रचया था, और जो 7 साल की मानसी के साथ में गिनोना काम करया, उसके बाद में जला दीवा, और जलाने के बाद में पूरा गाँव बरगला दिया भाई, कोई उरान बाजा था, कोई पुरान बाजा था, कोई नहीं था। लेकिन बात अपना इस वीडियो बनाना था कि भाई इस घर का आज ताला लग रहा है, सिर्फ एक मनस की वजह से इस घर का ताला लग गया। इस घर में रहने वाले सदस्य ने या कदे नहीं सोची होगी कि उनका घर का ताला लगेगा, वह गांव छोड़ कर जावेंगे। यो बहुत बड़ा बट्टा हुआ है मेरे भाई, गांव छोड़ कर जाना, गांव लिकाड़ा जिस दी आप कहवा हाँ, लेकिन गाँव वाले थी को नहीं कहा कि गांव छोड़ कर बिक जो, लेकिन इज्जत वाला अपनी इज्जत है मर्जे है। तो सारे के सारे हिसाब लगा लो भाई, इस घर का ताला एक मनस की वजह से लाया गया, और यू इस गांव में रहने के लायक नहीं समझे इस परिवार वाले ने अपने आप को, इतना ज़्यादा अपने गिल्टी फील कर गए। मैं इस परिवार ने सपने देखे होंगे भाई, आगे चल के ने मां भी 7 पीढ़ी तक इस गांव में रहेंगे, पिछली पीढ़ियाँ भी रंदी आई हैं, और इज्जत के साथ में रहना इनकी पसंद रहा होगा। लेकिन एक ऐसा बंदा जन्म लेवा है जिसकी पूरा गाँव में उनकी इज्जत माटी में मिला दी, और पूरा गांव आज उनती एक गलत नज़र तक देखने लग गया, शायद पूरा परिवार ती देखने लग गया, और वह इस चीज़ ये सहन नहीं कर सके। राम राम जी। तो ये कब छोड़ कर गए हैं? ये तो कल सुबह ही देखा था मैंने, तो ताला लग गए। तो रात नहीं चले गए? हाँ रात नहीं गए हैं। तो न्यू भी नहीं बेरा हुआ, कड़ा गए कड़ा नहीं गए? ना मैंने तो पता नहीं, मैं तो उधर सामान बेचना ही करूँ, इनकी पड़ोसिया ने पूछ ले तो भाई कोई बोलना शायद पसंद करेगा ना करेगा, क्योंकि ये बेचारे के कहेंगे। लेकिन यू बंद ताला सारा सौदा बयां करने लग रहा भाई, जो बंद गेट है, और इस का भीतर इतने सारे सपने मर गए होंगे, इतने सारे अरमान इसका मैंने सोच ले जड़ गए होंगे, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और वह भी मनस जुन से इसमें रवे हैं नहीं, वह जिंदे जी मर गए होंगे, क्योंकि एक एक मनस की वजह था, एक मनस की वजह से सारा काम हो गया भाई, किसी की सोची भी नहीं होगी है। अजय भाई तो पूछांगे कुराड़े तो हैं, इनकी वीडियो आप देखने भी लग रहे होंगे। राम राम भाई। राम राम भाई। राम राम। इस घर का ताला लग गया भाई, इस घर का ताला लग गया, घर का आगन है जा भाई, मैं नहीं कहूँगा सारी सारी बात, आज जो घर भाई रोन लग रहा है। इनती एक और नहीं, या देड़ी न्यू को नहीं लिपी थी मेरे भाई, नज़दीक लेकर आइए, या देड़ी इनती न्यू को नहीं लिपी थी, क्योंकि अपना जो गांव देहात में देड़ी कद लिपे करें भाई, तारा लक्ष्मी वास करें, तारा बढ़िया सुख समृद्धि वास करें, तारा सारा सौदा वास करें, त्यौहार नेड़े आने लग रहा था, दशहरा ही गुजर है, तो बड़ी धूमधाम दिन दशहरा मनाया होगा, दिवाली की बाट देख रहे होंगे और पूरे लाड चा इनका मन में न्यू होंगे कि वह सारे के सारे पूरे कराएंगे, पूरा गाँव में जब पटाखे बाज जाएंगे तो अपनी छत पर पटाखे बाज जाएंगे, अपने जो मंडेरियाँ पे हम भी दीवे लावांगे। उनती कदम न्यू को नहीं सोची थी कि यू इतना बड़ा दीवा बढ़ जाएगा। तो के कहोगे भाई? के भाई देखो दिवाली पैसे इस घर ने में भी बहुत सारे सपने दबका मर गए, माता पिता कोई खोट कौन था, लेकिन क्या होया जिस दिन घटना घटी इनका लड़का पकड़ा गया, तो इनते भी तरले कुहाड़ मार लिए, कुहाड़ मार लिए, तो प्रशासन ने कहा भाई क्यों गया क्यों नहीं, कुछ नहीं जी मम्मी ठीक हाँ, खमा सुन ले रहे थे माता पिता का, बेबे भी थे उसके, दो रोन लग रहे सारा टब्बर, मतलब इतरा ही कर दें कुहाड़ मार कर कर दे, मतलब शर्मिंदा मान ले जो उसकी सिस्टर थी वो शादीशुदा थी? नहीं कुंवारी थी। तो भाई साहब वो के सोचेगी जिसका अगला का घर जावेगी, कुकर तो वह जावेगी, किस मुँह तक जावेगी, के बैकग्राउंड बतावेगी कि मारा यू बैकग्राउंड था, मेरे भाई ने यू काम कर किया था, किसी की बच्ची के साथ में मैं दुष्कर्म करने के बाद में वो जलाया गया मार दी,
तो के कवेगी वजह कहने वह तो जिंदगी खत्म होगी नहीं। बिल्कुल जिंदगी खत्म होगी, माँ बाप भी बिल्कुल रात ना दे रहा, मतलब दिन मतलब लिखड़े भी को नहीं। पहले प्रशासन के पास फोन करी कलाए थे कि ऐसे ऐसे हमने काम निकलना और आप हमारा सहयोग कर दो। इनके पे पिकअप खुद की तो उसमें सारा सारा सामान लेकर अपना ताला लेकर चले गए हैं। तो भाई मैं एक को बात कहना चाहूँगा, आज जिसका घर का ताला लग गया है आप देख सको हो, बा मेरे को झूठ को नहीं बोल रहे, कल ने आपका घर कभी ताला लग सका, आपके आसपास जितनी भी घटना घटना लग रही है उन पर गौर करे करो कि यार 7 साल की मासूम लड़की का कोई खोट तो कौन था, कोई खोट नहीं था। उसने 200 रुपये भाई आप यूँ कहोगे के कहो है खुश, आप भी के बाहर रहो जो कि 200 रुपये उसने 2 लीटर का पेट्रोल लिया हो 400-500-200-300 ला के अपना वह चीज़ हवस थी तो राम तब बुझ जाती भाई 500 रुपये में राम तब बुझ जाती, आप भी समझ गए होगे आपके दर्शक समझ गए। लेकिन मजबूरी है भाई मेरी यह कहना ताकि अपना और अपना समाज में अच्छा संदेश जावे, इसके घर वाले ने कहा के खोट था, बिल्कुल कोई खोट कौन था, बिल्कुल। लेकिन भाई के करा अपना समाज जैसा है, मतलब कि खुद तो उनकी अंदरों अंदर इतनी गिल्टी फील होने लगी, वो अपराधी था हाँ। उसकी सजा मिल जाएगी और उसकी मिलनी भी चाहिए, लेकिन इसमें जो से 3-4 सदस्य होंगे उनकी कोई अपराध भी नहीं कराया था लेकिन उनकी उससे भी बड़ी सजा मिलेगी भाई, बिल्कुल उससे भी बड़ी सजा मिलेगी। तो चल ठीक है फांसी टूट जाएगा एकदम तक खत्म हो जाएगा, ये तो तड़प तड़प का मरेंगे, बिल्कुल सारी उम्र या बात दिमाग में तर मन में लिखड़ा कौन दिमाग में खा जाएगी। गाँव का नाम क्यों कर बोल रहे हैं, कड़ा बाहर भी जाए करें कड़ा का बतावेंगे के बतावेंगे गाँव क्या था छोड़ न्यू बता न्यू बतावे क्या था आगे थे, बिल्कुल 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 उनकी तो सुना अस्तित्व मिटी गया किसी चीज़ का गुण लैग जगह नहीं वो गुण लैग गया खत्म हो गया सौदा सारा। तो अपना आसपास देखा पा ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटा हैं और बहुत सारे भाई के मन में भी आ रही हो कि 1015 हैं जितने भी भाई देखे हैं लल जितने भी समझ में उनका दिमाग में भी चल रही होगी भाई आपका घर कभी ताला लैग सका है। मैं अपना बेरा मैं ऊंची आवाज भी है मेरी लेकिन भाई मैं बोलने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है इस बारे में बोलने का, लेकिन भाई कहने लग रहे हैं यार भाई आया है और तब तक स्पेशली वीडियो दिखाने लग रहे हैं या एक मोटिवेशनल है। हमने कोई व्यू का चक्कर में नहीं बनाई है ना, हमने इस पर लाइक सब्सक्राइबर तक कोई मतलब है कल ना और किसो का घर उजड़न तक बच जाए। सबसे बड़ी इस टाइम पर यह है कि आपने किसी भी अपराधी पे मैं लेन्यू नहीं है जितना लेन्यू लाग गए हैं नहीं कि इसमें गड़बड़ लाग गए हैं किसी ने छेद सके हैं तो आपने वो कदम पहले ही उठा लेना चाहिए वो ताकि वो कांड ना करे। अगर आपके आसपास में स्त्रियां के कोई भी तत्व हैं उनका ऊपर नज़र रखो और स्त्रियां का काम ना हो अपने अपने घर आगे भाई CCTV में फिर कहूँ दूसरी वीडियो में अपने अपने घर आगे सारे CCTV लगवा लो भाई अपने बालक सुरक्षित नहीं है क्योंकि उसका हैवान आपका पड़ोसे में हो वो उसका है वो ताक लगाए बैठे हो वो उसका उसकी नज़र आपके बच्चों के ऊपर हो तो ईसा ना हो भाई। और अपने तो रिश्ते भी भाई तार तार हो गए कदे चाचा का नाम आवे शामी कदे ताऊ का नाम आवे कदे किसी का नाम आवे तो उसने न्यू लागण लग जाए कदे तारा भी घर ईसा हो सही आदमी भी न्यू सोच ले सक्का घेरा में आ गया सक्का घेरा में आ गया। तो आप देखा अपना गाँव के मोहल्ले घर तो बड़ा कम रहा है पड़ोसी का ज्यादा रहा है अरे भी हो गया बता ला किस पर विश्वास करे जाएगा या भाई सब पूरे पूरे एक इंसानियत पर दब्बा है कल्ला इसके माँ बाप पे कल्ला मेरे पे कल्ला मेरे पूरे गांव पे नहीं है यू एक इंसान ही मतलब है। तो मैं यूँ कहूँगा एक तो जितने भी जंगल है आस पड़ोस के आपके बहुत गंदे काम हुआ उन जंगल में कंधे उन्हें भी शर्म आवे है तो भाई उनकी कटवा लियो या फिर उनकी एक अलग मतलब रूप दे इसको आप हाँ। उनकी पार्क का रूप दे दो लेकिन यू जो सा है नी अनटचिंग जो सी जगह है नी जुन सी तो रखो दे कोई नहीं जानता झाड़ बोझे हम कोई नहीं जानता उनमें वो सारे सारे अपराधी जावे चाहे नशा करण जाओ या और बिल्कुल धर्म की जगह थी भाई इसमें के पता था भाई इस तरह का काम करता है किसी ने पता नहीं था इसका बहुत गलत काम हुआ यू एक मतलब बस दा खांदा घर उजड़ गया हाँ उनका भी ढूंढ उजड़ गया हाँ, उनका भी उजड़ गया बच्ची चली गई भाई के पता इसके माँ बाप का तो क्या खोट है इस तरह इसके माँ बाप भाई एक नलायक कहीं नहीं करा भाई 7 पीढ़ी तक सेहत जे है वो 7 पीढ़ी तक नहीं सोच ले इसे ऐसा छोरा जो जमया था नहीं यू जिसकी अपराध करया है यू अगली 7 पीढ़ियां ना पक्का सीधा गा जब चर्चा चल रहे करें तो उस कुणबा में है भाई सब जो समय तारा वो होया था स्त्रियां काम जिसकी करया था तो ये सारी की सारी आपने सीधा हैं एक का करे वो नहीं कह रहा भाई दादा करा पोता डंडबर है तो सही आदमी सक्का घेरा में आन लग गया न्यूज लग के देखने पर कदे यू भी गलत हो जिस तरह मैं बिजली का काम कराँ गाँव में सबका 23 साल हो गए मैंने उ रंधन है मेरा गांव कुमलपुर है तो ये बहुत गलत काम कर रहा है ऐसा ऐसा काम कभी नहीं देखा था जिस तरह इसने भाई यू सिर्फ तरत है एक मैसेज का तौर पर यह वीडियो बनाई है कि भाई बस दखांदा ढूंढ एक मनस नजाड़ दिया जिसकी गलती नहीं करी थी
उनकी भी सज़ा मिल गई है। मैं तो जिंदे जी शर्म के मारे मर गए, गांव छोड़ना पड़ गया उनकी। ईसा आपका आड़ उस पड़ोस में ना हो, आप थोड़ा सा नज़र रखे करो, CCTV जरूर लुआओ भाई। नहीं फिर गांव वाले थी उस टाइम पर, मौका पर पता नहीं था। जे गांव वाले ना मौका पर इस बात का पता होता, वो पकड़ लेंदे शायद, उसकी जिंदा भी नहीं छोड़ दें। जे गांव वाले ने बराबर जी इस बंदा ने कर क्या है, मौका पे ही गांव वाले उसका फैसला कर देंदे जी। जिंदा छोड़ने का है कौन था? बिल्कुल छोटा को नहीं है ना, कौन छोड़ा है तो फिर चलो कानून ने भी उसे एकदम सिक्योरिटी दे दी। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई कानून का दायरा में रह गया हो उसका है, फिर कौन को और अपराधी हो जाता, किसी का नाम आ जाता। अपराधी ने मारने के बाद में भी गांव वाले अपराधी हो जाते भाई, यूँ कहेंगे इन्हीं का नाम था उसका मैं मारने में। तो भाई आप इस गुड़िया की आवाज़ बनो ताकि इसकी न्याय मिले, कड़ी तक कड़ी सजा मिले। और भाई बहुत कुछ बोल रहा है आपने, अजय भाई मैं ले एक और नहीं, गांव वाले थी यह बात कही को नहीं रहे, ताम ना जाओ तारी गलती को नहीं भाई। गांव वाले पता की बात में गए रात ने अचानक, गांव वाले ना तुम्हें यूँ कहता मैं बग जो ना, यूँ कहता मैं रुक जो, बाकी गांव वाले भी किस मुँह तक रोक कर किस मुँह तक भेज जाए, किस मुँह तक भेज जाए, ठीक है बात है। क्योंकि सिचुएशन इसी थी भाई, सेंसिटिव इस टाइम पर सिचुएशन है ना, तो न्यू कह सकते हम रुक जो ना, न्यू कह सकते हम ना जाओ, क्योंकि वो ऐडा रह जाते तो फिर भी मैंने सोच ले घुट घुट का मर जाते भाई, क्योंकि बैर लिगड़ना उनती दुबर हो जाता भाई। बिल्कुल हो जाता नहीं, अपनी राय भाई नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दियो।